थैंक यू जनाब स्पीकर। ये जो इससे पहले जो मुतालबा इजहार नंबर 13 था वो और वासा, इसका वासा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो पीएचई है, उसके लिए अलग पैसे मांगे गए 1,20,00,000 रुपए अलग मांगे गए। अब आप देखिए कि ये हमारे जितने भी दोस्त है बाहर तो अर्बन है जी, ये सब क्वेटा शहर में इनका एक एक घर है, और आप इनसे आप पूछ ले कि आया वो हर दिन एक टैंकर पानी का नहीं मंगवाते, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद जी मिनिस्टर साहब नवाबजादा तारिक खान कह रहे हैं कि मैं दो टैंकर, इसलिए कि बड़े घर होते हैं जरूरिया ज्यादा होता है। अच्छा ये आप कितने टैंकर मंगाते और कौन है जो जिसके पानी अजी आप आपस में बहस नहीं करें, जिधर नहीं आता है उठ के खड़े हो जाएं। अच्छा जनाब, जनाब जब एमपीए साहिबान हुकूमत के आप कौन है बुरखे में पता नहीं चल, जो बुरखे में पहले बता दें कि वो कौन है। ये जो बुरखे में होते हैं ना पता नहीं चलता है, अपने सीट पे नहीं है फिर पता नहीं। अच्छा चलता, अपना नाम बता दिया करें। अब आप तो मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया कि हुकूमत गवर्नमेंट के एकदम किया और अपोजिशन दोनों हम जो है ना इससे पानी के बोरान का शिकार है, और ये अब ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? इसका पूरा डिपार्टमेंट है, इसका मिनिस्टर साहब है, इसका सेक्रेटरी है, इसका डीजी एमडी है वासा का, और ये इतना पैसा उसके बावजूद पानी नहीं है, फिर क्यों आप पैसा दे रहे हो? मुझे ये लॉजिक समझाया जनाब मिनिस्टर साहब कि आप इतना पैसा क्यों दे रहे हो? इतनी बेहतरी क्या है? क्वेटा में पानी है, किधर है? जी शुक्रिया जेरे साहब। जी जी मलक साहब वलार साहब दे आप माइक इसका कॉल दे। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, तो यही कह रहा हूँ कि इसीलिए लोगों ने उनको रिजेक्ट किया मलिक साहब, इसीलिए लोगों ने उनको असेंबली में वापस नहीं भेजा। अब्दुल खालिक हजारा साहब को इतना के एमपीए आप बोले ना कुछ यार। जनाब स्पीकर इस पे आप वोटिंग करा दें कब? नहीं जनाब स्पीकर, मेरा ये मुतालबा है कि ये पैसा ज्यादा पॉइंट आ रहा है, इतना रकम जो मांग रहे हैं ये रकम जुल्म है कि हम उसको दें। जो अराकीन कटौती के हक में वो हाथ खड़ा कर दें। अभी दो ही आ गए, किधर है? अच्छा तीन ही हो गए, इतना कम होते जा रहे और तीन हो गए। बाकायदा मैं इसको कोट करूंगा कि अपोजिशन कितना उसमें ज्यादा ही संजीदा है।